मिर्जापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कारोबारी महेश सोनकर द्वारा अर्जित की गई लगभग 15 करोड़ 64 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इसमें यह भी जांच की जा रही है कि उनके द्वारा जो भवन बनाए गए हैं उनका नक्शा विकास प्राधिकरण से पास हुआ है या नहीं। अगर अवैध तरीके से बिल्डिंग पास की गई है तो उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। रोल भैया, रोल सर, ये बताएं कि ये कार्रवाई हो रही थी कि क्या है पूरा? देखिए, एक हमारे यहाँ ड्रग माफिया महेश सोनकर, उसके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज थे जिसमें कि मादक पदार्थों में वो डील करता था, ज़्यादातर वो हीरोइन का काम करता था। उसके ऊपर हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की और इसकी जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसको हम लोगों ने आज डीएम साहब के आदेश को कुर्क कराया गया है। और यहाँ सभी पुलिस की प्रशासन की टीमें आई हुई हैं और कुल 15 करोड़ की हम लोगों ने उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। इसमें आगे हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि ये नियमानुसार नक्शा इसका पास है कि नहीं, ना आगे प्राधिकरण के स्तर से भी इसमें कार्रवाई होगी, ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा इस तरह के जितने भी माफिया हैं जनपद में जो ड्रग्स का काम करते हैं, अवैध शराब का काम करते हैं या किसी भी तरह संगठित अपराध का काम करते हैं, उनकी भी इसी तरह संपत्तियों को आइडेंटिफाई करके उनको कुर्क कराया जाएगा और यदि आवश्यकता हुई और जांच में निकला तो उसको ध्वस्त भी करेंगे। क्या सक्रियता क्या थी इसकी, इस गैंग की? देखिए, ये मिर्जापुर में जो मेन हीरोइन का मेन डीलर था और यहाँ से छिटपुट लोग रिटेल के रूप में ले जाते थे और अपने अपने एरिया में बेचते थे और इसके कनेक्शन दूसरे जनपदों से भी थे जिसको हम लोगों ने डेवलप कर लिया है और उन व्यक्तियों को भी हम लोग कार्रवाई के दायरे में ला रहे हैं और उनके विरुद्ध भी हम लोग इसी तरह के सिमिलर और प्रभाव